Zeal Raincoats, office to home, non-stop. Zeal Raincoats, बारिश के लिए रुकना never. नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के दिवंगत नेता मोतीलाल वोहरा की एंट्री हो गई है। ऐसा लगता है ईडी के कुछ सवाल कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के गले की फांस बन गए हैं। क्या एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी AJL और यंग इंडिया प्राइवेट यानी YIP के बीच कोई लेन देन हुआ था? सूत्रों की माने तो यही वो सवाल है जिसका जवाब राहुल गांधी की तरह सोनिया गांधी भी नहीं दे पाई। सूत्रों की माने तो इसी सवाल के जवाब में सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की तरह कांग्रेस के दिवंगत नेता मोतीलाल वोहरा का नाम लिया। सोनिया ने राहुल की तरह ईडी के अधिकारियों को बताया कि वित्त संबंधी सभी मामले मोतीलाल वोहरा संभाला करते थे। बता दें कि मोतीलाल वोहरा का साल 2020 में निधन हो चुका है। वो कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कोषाध्यक्ष रहे हैं। आपको बता दें कि यंग इंडिया प्राइवेट के पास ही नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक है। सोनिया और राहुल गांधी इसी कंपनी में प्रमोटर हैं, जबकि मोतीलाल वोहरा भी इसमें शेयर धारक थे। ईडी के अधिकारियों ने जब राहुल गांधी से वित्तीय पहलुओं के बारे में सवाल किया था, तब उन्होंने भी अधिकारियों से कहा था कि सभी लेन देन मोतीलाल वोहरा ने ही किए थे। राहुल और सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन कुमार बंसल ने भी ईडी को यही जवाब दिया था। ईडी तो बार बार धमकी दे रहे, कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे, हरेज करने की कोशिश कर रहे। हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उनको बार बार बुलाया जा रहा है। ये जो तरीके वो लोगों ने अपना रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसे ईडी के धमकियों से या हमको बार बार बुलाने से हमारे लोग कोई डरने वाले नहीं। सोनिया गांधी से ईडी अधिकारियों ने दो दिन में करीब 10 घंटे पूछताछ की है। मंगलवार को जांच एजेंसियों ने सोनिया गांधी से करीब 50 सवाल पूछे थे। ईडी अधिकारियों ने 21 जुलाई को भी कांग्रेस नेता से पूछताछ की थी, तब उनसे 28 सवाल किए गए थे। ईडी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्री मामले में सोनिया गांधी से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से भी करीब 50 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। उधर सोनिया गांधी से सवाल हुए तो कांग्रेस सांसदों ने एक बार फिर सरकार पर ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह नाम देकर प्रदर्शन किया, वहीं संसद से विजय चौक तक कांग्रेस सांसदों ने बैनर लेकर मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहां पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।